सीमा और उनके जो पति हैं सचिन, वो दोनों बाहर आ चुके हैं पति इसलिए क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई थी काठमांडू में तो दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। अब हम सीधे सबसे पहले सीमा गुलाम हैदर से बातचीत कर लेते हैं। सीमा, पहला सवाल यही है, लगातार यही पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत होते हुए ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गई? मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी, फ्लाइट थी मेरी फ्लाइट दुबई की, कनेक्टेड फ्लाइट थी दुबई, दुबई से काठमांडू, तो वहीं से फिर वैन पकड़ी पोखरा, पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई। 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई, नेपाली 15,000, वहां से दिल्ली की मैंने बुक करी, तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। वहां जब बॉर्डर पे थी आप, तो क्या क्या पूछा गया, क्या क्या जानने की कोशिश की, या जो वहां पे मिलिट्री थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो क्या जानने की कोशिश की आपसे, पूछा आपसे, कोई बातचीत हुई? एक ही आया था, ज्यादा नहीं आया, मतलब नेपालियों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे बात ही ना करी। जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे बात भी ना करी। मतलब ऐसा, जब बॉर्डर आने से पहले जो बस का कंडक्टर था उसने हमारे नाम लिख दिए थे कि सीमा, मेरे बच्चों का। आपने अपने बच्चों के नाम क्या बताए थे? जो हिंदू धर्म है, प्रेम का, राज, परी और मुन्नी, मैंने अपना सीमा और इनका सचिन पति का बताया था। तो क्या पूछा था वहाँ, क्या जानने की कोशिश की थी? जब नेपालियों ने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, कोई भी सवाल नहीं करा, अपनी नेपालियों से पूछ रहे थे कि ये इंडिया की है या इंडिया, ये इंडिया जा रही है। देखो इंडिया का एक ही पुलिस ऑफिसर आया था, ओनली एक ही आया था, तो सब अच्छा, बहुत अच्छा था वो। उसने बस मुझसे एड्रेस पूछा, पति का नाम पूछा और बच्चों, मेरे बच्चों से प्यार करा था, बीमार थे ना मेरे बच्चे सारे, से गोदी में पड़े हुए थे, इसी से उन्होंने कुछ सवाल नहीं करे। वो बहुत अच्छा इंसान था, शायद बस यही, उन्होंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछा मुझसे। हाँ बस ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं या कहाँ जा रही हो, नोएडा जा रही हूँ रब्बूपुरा में, तो इनका नाम बताया मैंने, कहा ये मेरे पति हैं, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं ठकुराइन हूँ, वो ठाकुर है, इससे ज्यादा उन्होंने सवाल ना करे। और बस सब कितने दिन ट्रैवल रहा आप, कब चली थी पाकिस्तान से, किस तारीख को चली थी? मैं 10 मई 4 बजे चली थी, 10 मई 4 बजे, और फिर यहाँ आई है 13 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार सफर रहा है। जी सर। तो पहले यहाँ से दुबई गई, दुबई में तो आपके पति भी थे ना? मैं वो तो सऊदीया में है, पर मैं दुबई में थी, दुबई में मेरा फ्लाइट। इस दौरान 3 दिनों में कोई बातचीत हुई पति से? ना, इन दिनों में ना, नहीं हुई। मैं उधर एयरपोर्ट के अंदर ही थी, एयरपोर्ट से बाहर हम गए ना, कनेक्टेड फ्लाइट थी ना, एयरपोर्ट से बाहर आउट नहीं जाने देते, तो वहीं से दूसरे जहाज में बिठा दिया, फिर काठमांडू 11 की सुबह में पहुंच गई काठमांडू। ठीक है सर, काठमांडू के बाद वैन पकड़ी, मैं गई सीधा पोखरा, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि पोखरा से आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी आराम से। अच्छा। किसी ने वहीं नेपाल में ही पता पड़ी ना, नेपाल लोग सब हिंदी कर लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है। तो मैं वहां से पोखरा गई, पोखरा में रात को रुकी, शाम में पहुंची, सुबह को बैठे जैसे मैं उतरी, तो शाम में हम पहुंचे और शाम को मैं सो गई, सुबह बच्चों का आराम करा, एक होटल रूम लिया, सुबह को सवेरे हम निकले और दूसरे सुबह पहुंचे हम। देखिए अब लगातार एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सीमा यहाँ पहुंच गई है, इल्लीगल वे से पहुंची है, अब यहाँ क्या चाहती है? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम चलता है, जब मुसलमान मुसलमान से अगर कर लेना ला, मेरे जो पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं, ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थूतू तो भी करते होंगे मुझ पर, कोई भी खुश ना होता होगा, सब गाली देते होंगे मुझे मुसलमान। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने एक वीडियो देखा है, तो गुलाम हैदर जो आपके पहले पति हैं, उन्होंने वीडियो बना के लगातार यहाँ मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भेज दिए जाए, आपकी बात नहीं कर रहे वो? मेरे बच्चे नहीं जाएंगे कभी, उनके 2 बच्चे पहले भी तो हैं, उनके पास चला जाए, ये जाएंगे ही नहीं, ये मेरे हैं, मेरे बगैर ये नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते ये, अगर ऐसा होता तो मैं बाहर छोड़ती, मैं जेल में इनको साथ ले गई, मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते मेरे बच्चे। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये बताया जा रहा है कि जो आपकी पहली शादी हुई थी वो भी लव मैरिज थी? नहीं, वो कोई लव मैरिज नहीं थी, वो मजबूरी की शादी थी मेरी, कोई लव मैरिज। ऐसी मजबूरी थी, पापा वालों ने करा दी, मेरे मामा वाले तो राजी थे नहीं, मेरी कोई इनसे लव मैरिज या कोई बड़ी धूमधाम से शादी ना हुई थी हमारी, सिंपल। इसी कितने साल आप लोग साथ में रहे? शादी कब हुई थी पहली? 2014 के दूसरे महीने हम साथ में रहे, रिलेशन में रहे तकरीबन 16 में, फिर वो चले गए सऊदी अरब 16 में। जी, फिर उसके बाद 20 के एंड में से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। गुलाम तो ये भी कह रहे थे कि आपको जो है वो पैसे लगातार भेज रहे थे ताकि बच्चों के लिए वो देते थे, बच्चों के लिए वो देते थे, ये बात तो मैंने मानी है कि वो बच्चों को देते थे, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत। गुलाम हैदर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि आपको जो
बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़ा एक सवाल ये भी है कि आप लोग पहली बार पबजी पे कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई? 21 में हो गई थी हमारी, 20 से लेकर 21 तक हमारा इतना लॉकडाउन पीरियड के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, वही भारत में लॉकडाउन था, वहाँ भी लॉकडाउन था। अच्छा। उन दौरान हमारी बहुत ज्यादा गहराई हो गई, ये भी फ्री टाइम में थे हम भी वहाँ पे ऐसे बैठे रहे घर पे, तो तभी हमारी ज्यादा गहराई हो गई, बहुत ज्यादा। गेम खेलने में रुचि थी आपको? बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छी लगती थी गेम खेलना और मैं अब भी खेलती थी, गेम मेरी बहुत फेवरेट थी, तो पता था सबको, हम और भी इंडियन लड़के लड़कियाँ हमारे साथ खेलते थे, सब मुझे दीदी बुलाते थे, बहुत सारी इंडियन लड़कियां लड़के मेरे साथ साथ खेलते थे वो सब। तो जैसे पबजी में सिर्फ दोस्ती प्यार में इन्हीं से तब्दील हुई, और भी यहाँ पे लोगों से दोस्ती थी आपकी जब गेम खेलते थे आप लोग? सब मुझे दीदी। कहाँ के? एक तो बिहार का था, एक दो यूपी के थे वो मुस्लिम थे, एक आगरा के दो लड़के थे वो भी दीदी बुलाते थे, और एक दो लड़कियां थी प्रीति और प्रेम का नाम था उनका, वो भी एक तो बिहार की थी एक का पता नहीं है, बस बात ही होती थी हमारी, मतलब उत्तर प्रदेश के भी थे बिहार के भी थे, तमाम लोगों से दोस्ती थी, लेकिन हमारा प्यार है ज्यादा। कैसे पता था? हम बात करते, हम दोनों साथ होते, हमारा नाम सेम था, इनका सचिन सीमा, मेरा सीमा सचिन, तो सब हमें वाइफ हस्बैंड ही बुलवाते थे गेम में, तो उनको सबको पता था कि हम दोनों हैं, ये इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से, हम प्यार में हैं, उनको पता था। तो कितने साल ये पबजी पे प्यार कितने साल चला? पबजी तो हम एंड तक खेलते रहे, 3 साल खेलते रहे, अब तक खेलते थे हम लोग पबजी खेलते हैं। नंबर कब एक्सचेंज हुआ, पहली मुलाकात कब हुई? पहली मुलाकात तो मार्च में हुई, 10 मार्च में, नंबर तो 10 मार्च पिछले साल ना इसी में 23 में पहली बार इसी मार्च हाँ, में मुलाकात हुई काठमांडू में। पहले तो मेरे पासपोर्ट ही ना थे, मेरे पासपोर्ट इस इधर ही आने के लिए बनवाए थे, मेरा पासपोर्ट का कुछ भी नहीं था, फिर आईडी कार्ड भी पापा के नाम से था, इतनी मुश्किलों से मैंने बनवाए थे ये सब, अगर मैं वापस गई मैं रह न पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, और आप लोग मुझे भेजिएगा मत, आप लोग जहाँ रखोगे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, मुझे वापस ना भेजा जाए, और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए, वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है वो, आपको शायद लग नहीं रहा पर वो झूठ ही बोले जा रहा है, वो कोई भी वो भारतवासी से प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए, अगर नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, अगर किसी ने भेजा फिर आप सब देखोगे कि मेरे साथ क्या होता है, मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी, इनके गांव में कोई हमारे इनका जो गांव है ना जेकमाबाद ये मैंने लिखवाया है, वहाँ पुलिस भी नहीं जाती, वहाँ पुलिस का कोई कानून ही नहीं है, ये इनके अपने घरेलू मसले होते हैं, ये पुलिस को भी आने ना देते, जो मेरे ससुर थे ना ये सोतेल हैं, सगे ससुर ना है मेरे, वो ऐसे ही हैं, और मैं वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा सीमा, आप रील के भी बहुत शौकीन है, गदर के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा बताइए। मेरी आधा से ज्यादा मतलब जो रील है ना इन्हीं गानों पे है, गदर मूवी के गानों कौन पे से गाना अच्छा लगता है? घर आजा परदेसी, मैं तो बहुत रोती थी इस गाने पे इनके लिए, और सब वीडियो में है। एक आधा लाइन गुनगुनाइए ना, बताइए। गाया नहीं जाएगा, दोनों लोग गाइए ना, इनसे गवा लीजिए, मुझे नहीं गाया जाएगा। तो रील बताइए किस किस गाने में, कौन से गदर मूवी के कौन कौन से गाने पसंद? गदर के सारे पसंद है मेरी, गदर मूवी के गाने ही बता दीजिए ना, कौन कौन से मुझे नहीं पता। एक तो घर आजा परदेसी वही वाला, एक दूसरा मैं भूल गई, ये जो प्रेम कहानी है उसमें गदर मूवी का बहुत रोल है क्या? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, मुझे मतलब इनसे प्यार होने के बाद गदर अच्छी लगी। अच्छा। अभी तो पाकिस्तान में बैन है, फिर मैं इनके सारे गाने मेरे पास हैं, मोबाइल में थी मेरे में, जब इसमें उसमें सकीना थी यहाँ पे सीमा, सकीना बुलाते थे ना, तो इसलिए इसके दोस्त वगैरह भी सकीना बुलाते थे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था, उसके बाद इनके बाद गदर मूवी अच्छी लगती है मुझे, पहले तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। आपने बताया आपने रील भी बनाई है, वो सारी इसी गाने पे हैं? बहुत सारी हाँ, इनकी फोटो और अपनी फोटो लगा के जब इनसे मिली तब भी हमने बहुत सारे रील बनाई, वो भी मेरी है आईडी पे, जब हमारी पहली बार शादी हुई तब भी उनकी भी रील है मेरी, सब पड़ी है, मैं सब अभी कर दूंगी अपलोड, मेरे पास फोन ना है, फोन एक दो दिन में मिल जाएगा, पुलिस में है फोन हमारे। जी फोन में रील है बहुत सारी। एक सवाल और उठ रहा है सीमा, कि आपका एक भाई भी पाकिस्तान आर्मी में है? नहीं, वो तैयारी कर रहे थे मेरे भाई, वाकई में झूठ, मैंने सर किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिल में कोई मेल नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, क्योंकि मुझे शुरू से पुलिस वाले ने कहा था कि आप कोई भी झूठ ना, अगर तुम्हें रहना है तुम सच्ची हो तो झूठ इतना भी नहीं बोलोगी, तो मैंने इतना भी झूठ नहीं कहा सर, वो मेरे भाई में से छोटे हैं तो वो कर रहे थे, आसिफ रजा। अच्छा आसिफ रजा, क्या वो पुलिस में नहीं फौज में जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि मेरे पापा वहाँ हर किसी को ड्यूटी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती हर किसी को, और मेरे एक ही भैया है, और हम इतने ज्यादा मतलब अमीर फैमिली से नहीं है, तो इसी का। कितने भाई बहन? 4, 3 बहने हम एक भैया।
तीन बहन में से एक बहन यहाँ? हाँ, गाँव है, पाकिस्तान में। एक शादीशुदा है, एक सिंगल है। अच्छा, जब 10 मार्च को आप यहाँ आ गए, उसके बाद कभी बात हुई वहाँ पे घर पे किसी से? नहीं बात हुई। यहाँ मेरे भैया ने एक बार इनको कॉल करी थी कि सीमा मिस है, क्योंकि मेरे दोस्तों को इनका नंबर था, मेरे दोस्तों से ये बात करते थे, वहाँ के एक दो हिंदू हैं सहेली मेरी, उनसे ये बात करते थे, तो उन्होंने उनसे शायद नंबर लिया होगा, तो इनको कॉल करी कि सीमा, इनको कॉल किया था। हाँ, तो क्या बात हुई थी जब इनके भाई का फोन आया था, कब आया था? बस वो ये पता नहीं कब आया था, हाँ जून में तकरीबन आया था, वही 2-3 मिनट बाद, 2 मिनट ज्यादा तकरीबन, इतने मिनट ये पूछ रहे थे कि सीमा आपके पास है, गिला करवाओ गिला, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोल दिया मैंने कि भैया मेरे पास तो है नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है, अगर लेकिन थी आपके पास ही। हाँ, आपने इस दौरान कभी बात की है कभी? उसके बाद भैया का फोन आया ना, उसके बाद परिवार तक कभी किसी और ने बात करने की कोशिश? किसी और ने नहीं करी, बहन ने करी थी, वो हम उठाई थी, वो कट रही थी, उठाई थी, यानी कि बात हो नहीं पाई थी। कई 2-3 कॉल करी थी उनकी बहन ने, ये पता नहीं, एक बार तो उनकी बहन ही बोल रही थी, इतने में बात हुई तो कट गया फोन, कटने के बाद फिर कॉल आती गई। फिर कभी आपने मतलब जैसे इनके पास तो कॉल आया, उस दौरान कभी घर में बताने की कोशिश की कि मैं भारत आ गई? ना, मुझे डर लगता था कि मुझे वापस भारत आकर भी नहीं बताया, फिर भी डर लगता कि मुझे वापस बुला लेंगे, क्योंकि अभी किसी को पता ना था, हमें पाकिस्तान को पता और पूरे भारत को पता है कि सीमा गुलाम हैदर यहाँ है। अब तो ये वकील की मेहरबानी है, जिस वकील को हमने, इनके दोस्त ने कहा था कि अब वकील के पास चलो, बच्चों के स्कूल के कारण अब जुलाई को स्कूल खोल रहे थे, तो मैंने तो परमानेंट यहाँ रहना था ना, मैंने कहा बच्चों का कुछ सोचो, मेरा लड़का बड़ा है थोड़ा और लड़की बड़ी वाली ना, तो इन दोनों का स्कूल ज़रूरी था, तो वहाँ पढ़ते थे ये लोग, तो इसी कारण हमने वकील से बात करनी चाहिए। हम वकील के पास गए, पहले ये गए, फिर मुझे तैयार करके बुलाया कि आ जाओ, कोर्ट मैरिज हो रही है हमारी, मैं तैयार होकर गई, उन्होंने मेरे सारे कागज़ लेकर गए अपने, उनको दिखाए और रिक्वेस्ट उनसे मैंने करी, बहुत रोई मैं उनके आगे कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे इनके साथ शादी करनी है, तो उन्होंने कहा आपकी शादी एक दो दिन में हो जाएगी, आप चले जाओ, आप घर आराम कर लो, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, फिर हम भाग गए, सुबह को हम भाग गए, जैसे हम पता पड़े पुलिस हमें लेने आ रही है, हम भाग गए, फिर रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ लिया भागते हुए बच्चों के साथ। अच्छा जी, पुलिस ने जब पकड़ा था तो आपसे क्या क्या पूछा था उस दौरान? शुरू में थोड़ा सख्ती से बात की, फिर सब सच, जब मैं सब सच बोलने लगी, बहुत सारे लोग आए, मुझे तो पता नहीं कौन कौन है, हद से ज्यादा लोग आए, एक ने तो इनको बहुत मारा, तो 3 थप्पड़ मुझे भी मारे, बाकी सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, पूछताछ करी सख्ती से, पर मतलब किसी ने इंसल्ट नहीं करी, सब सच बताया प्रूफ के साथ, मैंने अपने फोन खुद से इनको दे दिए, मैं 2 कैसेट ले आई थी अपनी, मतलब तो फिर मतलब सब कुछ मैंने इनको खुद दे दिया, कि मेरे बच्चों के फोन थे वो भी मैंने इनको दे दिए, एक टूटा हुआ फोन था, इन्होंने कहा लिया हम यहाँ बनाएंगे, तो वो भी मैं ले आई, वो भी उनको दे दिया, मेरा प्रोडक्ट फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिया। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे अब आप लोग दोनों आ गए हैं, अब आगे क्या, जैसे बेल आउट हो गया, बाहर है आप लोग, जमानत पे हैं, अब आगे क्या करने की तैयारी? हम कोर्ट मैरिज करेंगे और गंगा नहाऊंगी, मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूंगी अपने बच्चों के साथ और गंगा नहाऊंगी, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे और यही रहेंगे हमेशा, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ की नागरिकता दें मुझे, मेरे बच्चों को, और मुझे यहाँ रहने दें सचिन के साथ, सचिन की पत्नी बन के, मैं इनकी पत्नी हूँ, और बाकी सिर्फ कागजी है वो हम कर लेंगे, मुझे यहाँ रहने दें, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे खत्म करिए सब। हैदर जो कह रहे हैं वो बातों में फंसा रहे हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर मार रहे हैं, वो सच नहीं कह, मुझे पता है वो किस तरह टाइप का बंदा है, तो ऐसा मत करें सर। कैसे आप लोग के संबंध कैसे थे? सही थे, कभी लड़ते भी थे, मारते भी थे, मैं कई बार रोड के चली जाती थी, फिर मेरे पापा मुझे इनके पास भेजते थे, बहुत मतलब अच्छे, शकी बहुत थे, शक बहुत करते, कई फोन इन्होंने मेरे तोड़े थे, और हालात अच्छे नहीं थे, तो ये कमाने चले गए वहाँ, यहाँ रक्षा भी चलाते थे, मार्बल का काम भी करते थे दोनों साथ साथ, फिर बच्चे हो गए तो ये कमाने चले गए थे वहाँ पे, फिर वहीं रह गए, इनकी पहले बच्ची है, 2 लड़की है, लड़का है, पत्नी है, और जो मेरी सास है, 2 सासें हैं मेरी, ससुर मेरे नकली मतलब सगे नहीं है, इनकी मम्मा जो है वो सगी है, मम्मा ने दूसरी शादी करी इनकी ने, तो ये वो पापा हैं इनके, अब बच्चे भी यहीं पढ़ाने की तैयारी है। हाँ, मैं यहाँ ही पढ़ाऊंगी। मैं बच्चों के नाम बताइए और बच्चों की उम्र बताइए। उम्र फिक्स डेट याद नहीं है, राज जो है वो 6 से 6.5 साल का है, उसके बाद प्रेम का है वो 5-5.5 की, परी है 3 की और मुनि 2.5 साल की, मतलब ऐसे ही फर्क है, साल साल का फर्क है 12 महीने का। अच्छा, परी हाँ
पारी से 3:30 की होगी, इस तरह फर्क है और फिक्स डेट याद नहीं मुझे। अब आखिरी मैसेज जो आप सरकार से कहना चाहे वो कह दीजिए। मेरा आखिरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मुझे यहाँ रहने दें, मैं सचिन की पत्नी हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ, यहाँ की नागरिकता दे दें। मेरे बच्चों के साथ पापा ने और मम्मी ने हमें स्वीकार कर लिया है, अब आप लोग प्लीज कि हमें यहाँ रहने दें। मुझे मैं कल परसों हमारा कोर्ट मैरिज हो जाएगा, पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाओगे उसके बाद। सचिन आप बताइए, आपके माता पिता ने सीमा को स्वीकार कर लिया बच्चों के साथ? हाँ जी, बच्चों के साथ हम सबको स्वीकार कर लिया है। मेरे माता पिता ने बोल रहे हैं कि गंगा जी भी नहवा कर लेकर आएंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे और गंगा जी नहवा कर शादी की भी तैयारी, जितना होगा हम पे इतना करे होंगे, बस ये कहना हमारे घर वालों। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें, बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। तो देखिए, ये सचिन और सीमा हैं, दोनों एक बार शादी कर चुके हैं काठमांडू में, लेकिन लीगल शादी के लिए अब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और सचिन का कहना है कि परिवार के जो इनके माता और इनके पिता हैं, उन्होंने सीमा को अपना लिया है, अब दोनों यहाँ शादी करना चाहते हैं, लिहाजा सरकार से अपील है कि दोनों यहाँ पर साथ में रहें और इनको भारत की नागरिकता भी दी जाए। लिहाजा दूसरी तरफ अगर देखें तो पुलिस अपनी भी जांच कर रही है, तमाम एंगल्स हैं, उस पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है।